नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जमीन कैसे खरीद सकते हैं। जो मैंने रशिया के अंदर जमीन खरीदने की वीडियो बनाई उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जमीन खरीदनी है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि है, भारत से 2.5 गुना बड़ा है और आबादी के मामले में बहुत छोटा सा। भारत के किसी एक बड़े राज्य की आबादी हो उतनी तो उसकी पूरी आबादी है और जमीन भारत से 2.5 गुना ज्यादा। तो ऐसे में सभी को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जमीन खरीदने का फायदा है, क्योंकि रशिया के बारे में जो मैंने बताया वो लोगों को शायद पसंद आया और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का पूरा प्रोसेस बता देता हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश का किसान वहां पर जाकर खेती करना चाहे तो वो क्या है, अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, जब हम रशिया की बात कर रहे थे तो रशिया के रूबल और भारत के इंडियन रुपीज के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 के आसपास घूमता है और भारत का जो है 55 गुना का इसके बीच में डिफरेंस है। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इससे साफ नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जमीनें हैं वो रशिया के मुकाबले आपको महंगी मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक बात यह भी सच है कि भारत के मुकाबले वहां पर जमीनें आपको काफी सस्ती मिल जाएंगी, 2-3 गुना तक सस्ती मिल जाएंगी। तो अगर हम खेती के हिसाब से बात करें कि क्या फिर हमें जो भारत की जमीन बेचकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेती करनी चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया को ड्राई स्टेट कहा जाता है, यानी सूखा स्टेट, जहां पर पानी बहुत कम हो या फिर नाम मात्र का पानी हो। तो ऐसी स्टेट के अंदर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं और पानी के बिना खेती संभव नहीं। तो ऐसे में आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बड़ी जमीन लेके उसके मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन वहां से उपजाएंगे क्या, वहां के जो खर्चे हैं उनको पूरा कैसे करेंगे? वहां पर आप मोटा कमाएंगे लेकिन मोटा आपका लग भी जाएगा। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको जो पानी मिलता है खेतों के अंदर लगाने का, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उसके ऊपर भी बिल आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर बिल आते हैं। आप वहां पर फ्लड इरिगेशन के जरिए यानी खुला पानी नहीं लगा सकते, वहां पे आपको फवारा विधि से या फिर जो है ड्रिप सिस्टम से पानी लगाना होगा। और बहुत ही कम मात्रा में वहां पर ऐसी जमीन है जिसको सरकार ने बड़ी मेहनत करके तैयार किया है कि वहां पर कुछ खाने योग्य जो है उत्पादन हो सके। अब आप लोग कहेंगे कि वहां पर हम गेहूं का उत्पादन कर लें, तो वो भी बिल्कुल हमारे भारत में जैसे राजस्थान में होता है, बरसात हो गई तो फसल हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पे गेहूं होती है। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं रशिया के अंदर तो शायद बेटर है, लेकिन अगर आप चाहें युद्ध की स्थिति को देखें तो अलग बात है रशिया के अंदर, लेकिन वैसे खेती के हिसाब से बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, तो शायद बेटर नहीं है। तभी बेटर होगा जब आपको वहां की पीआर मिली हुई है, तभी बेटर होगा जब आप वहां पर जो है 30-40-45 एकड़ का छोटा फार्म खरीद सकते हैं, उसमें बाग वगैरह लगे हों, आपका फार्म हाउस घर सब बना हो, तब भी बेटर है। लेकिन अगर आप जाकर वहां पर सीधा जमीन खरीदना चाहें, पहली बात तो उनका जो पॉलिसी है इसको लेकर, बहुत इन्वेस्टमेंट को लेकर, फॉरनर के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी झंझटों से गुजरना होगा, काफ़ी बड़ी कागजी कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, अगर आप वहां पर इन्वेस्ट भी कर लेते हैं तो वहां पर इतना सूखा है कि वहां पर जो ड्रिप वाली पाइपें हैं इन्हें खरगोश, लोमड़ी, कुत्ते और आपके जंगली जानवर जो हैं ये चबा कर ख़त्म कर देते हैं, इतनी पानी की किल्लत है। आपने देखा होगा पिछले ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 10,000 ऊँटों को सरकार ने मरवाया था, हेलीकॉप्टर पर लोग घूम घूम के उनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वहां पर ऊंट जो है वो लोगों के घरों में घुस के उसका पानी पी जाते थे, क्योंकि वहां पे लोगों ने जो एसी लगवाए हुए हैं उस एसी से जो पानी मॉइस्चर से खींच के एसी जो पानी देता है उसी को फिल्टर करके पीना पड़ता है। तो ऐसी जगह जाने से अच्छा है वहां पर आप प्रति एकड़ जो है 3-4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, इससे अच्छा है कि आप भारत का जो राजस्थान है वहां पर जाकर ही ले लीजिए। राजस्थान के अंदर आपको सस्ती ज़मीनें मिल जाएंगी और इन राजस्थान वाली ज़मीनों में अच्छा ये है कि अगर फसल ना हुई तो चूना निकल जाएगा, तो वो बिक जाएगा, वो महंगा बिक जाएगा। तो
तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं तो आपको साफ मना करूंगा, क्योंकि आपके खर्चे बहुत पड़ जाएंगे वहां पे, मशीनरी बहुत महंगी है, सब डॉलरों में आना है, आप ये सोच के देखिए, और पानी है नहीं तो वहां पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी आप में से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है या किसी और देश में रहता है और आपको लगता है कि वहां पर खेती फायदे का सौदा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया।